हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश और मेरे यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने पीएफ ईवीएन का पासवर्ड कैसे चेंज कर सकते हैं या फिर नया पासवर्ड कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और ये बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसके लिए जाना पड़ेगा आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में या फिर किसी भी अन्य ब्राउज़र में आप जा सकते हैं। तो चलिए हम अपना सिंपली गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड्स, गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद हमें सर्च बार में जाके टाइप करना है EPFO। इस पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी डायरेक्ट इस वेबसाइट पे जा सकते हैं। तो हमको सिंपली इसको सर्च करना है। फ्रेंड्स, सर्च करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर एक ऑप्शन है EVN का, मैं आपको दिखा, ये EVN का एक ऑप्शन है, इस पर हमको सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस होगा। ये ऊपर दिख रहे थे डॉट पे, इस पर हमको क्लिक करके अपने क्रोम ब्राउज़र को डेस्कटॉप साइट मोड में कर लेना है। जैसे हम डेस्कटॉप साइट मोड में करेंगे, हमारा कुछ इस तरह का मतलब दिखाई देगा गूगल क्रोम ब्राउज़र। इसको थोड़ा सा नीचे थोड़ा जूम करेंगे, इसको जूम करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है फॉरगेट पासवर्ड का। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये फॉरगेट पासवर्ड का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, हमको इस पर सिंपली क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो रहा है। थोड़ा जूम करके देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है इंटर EVN, तो हमको अपना EVN नंबर जो होता है इसको इंटर करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपना EVN नंबर इंटर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना EVN नंबर इंटर कर लिया है और ये नीचे दिख रहे बॉक्स में कैप्चा को फिल करना है। जैसे ये जो कैप्चा है अपना, इस वाले कैप्चा को इस वाले बॉक्स में इंटर करना है। ठीक है, तो चलिए हम अपने इस कैप्चा को हम इंटर कर लेते हैं। कैप्चा को इंटर करने के बाद यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लेता है सबमिट होने में, तो उसे घबराएं नहीं, ये आसानी से हो जाएगा। जैसे क्लिक करेंगे, हमारे सामने कुछ इस तरह का शो हो रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डू यू विश टू सेंड OTP ऑन द अबव मोबाइल नंबर। ये बोल रहा है कि क्या मैं आपके इस नंबर पर OTP मतलब भेज दूँ। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये वाला मोबाइल नंबर है जो भी यहाँ पर शो हो रहा है तो यस कर देंगे, अगर नहीं मोबाइल नंबर है तो नो कर देंगे। जैसे कि हमारे पास ये वाला मोबाइल नंबर है, OTP हमको मिल जाएगा, तो हम यहाँ पर यस कर देते हैं। जैसे ये प्रोसेस हो जाएगा, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक OTP गया होगा। ठीक है, वो OTP इसमें इंटर करेंगे। तो मैं अपना OTP इंटर कर लेता हूँ, हमारे मोबाइल पे आ गया। सो फ्रेंड्स, हमने OTP इंटर कर लिया है, यहाँ पे सिंपली वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आपको OTP नहीं आता है तो यहाँ पे रिसेंड वाले ऑप्शन पे भी आप क्लिक करके OTP फिर से मंगा सकते हैं। अगर OTP आ जाए तो वेरीफाई वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। तो फिर OTP इंटर करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस हो रहा है। यहाँ पे लिखा है न्यू पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड। तो हमको अपना न्यू पासवर्ड जब भी बनाना है इसमें इंटर करके हम पासवर्ड बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अपना पासवर्ड बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह आप भी इस वेबसाइट का उपयोग करके आप भी अपना पासवर्ड बना सकते हैं या फिर अपना पासवर्ड क्या बोलते हैं पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हमारी बस यही तक थी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो या फिर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए धन्यवाद आज महाराज की हमारी वीडियो देखने के लिए।